तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के नया एपिसोड लेके। तो गाइज, हमने पिछली वीडियो पे ये कोबलस्टोन फार्म बनाए थे। तो गाइज, जो मैंने पिछली वीडियो में फार्म बनाया था कोबलस्टोन का, तो गाइज उससे मेरे कोबलस्टोन जो है उसमें बहुत सारे जल रहे थे, मतलब मुझे मिल नहीं पा रहे थे। तो गाइज, मैंने बिल्कुल सिंपल फार्म बनाया हूँ, एक तरफ पानी डाल दिया हूँ, एक तरफ लावा डाल दिया हूँ, बीच में कोबलस्टोन जनरेट हो रहा है, और नीचे गाइज मैंने होपर लगा दिया जिससे मेरे बहुत कम कोबलस्टोन अब जल रहे हैं और मेरे को बहुत सारे कलेक्ट भी हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में गाइज हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक बार, क्योंकि मेरे पास गाइज जानवर है, यहाँ पे जानवर बोल रहा मैं, एनिमल है, उनको गाइज मैं बार में रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइज मैं अपना प्लेटफॉर्म भी इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, फिर अपना घर वर भी बनाऊँगा। तो चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ से अब। तो गाइज, तो हेलो गाइज, मैंने गाइज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हूँ, मैं इसमें गाइज अपना बार बनाने वाला हूँ। मैं इसके आउटलाइन के लिए गाइज ब्लॉक तो लगा दिया हूँ, मैं इसको अभी पूरा कम्प्लीट नहीं किया हूँ। और सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने एक लाइब्रेरियन बनाया हूँ, मेरे पास कुछ पेपर आए थे इससे, तो मैंने एक लाइब्रेरियन बना लिया हूँ गाइज उससे, जो मुझे बुक सेल्फ सेल करेगा। तो कहाँ गया वो, ये रहा। तो बुक सेल्फ गाइज, मैं बुक सेल्फ से और भी चीज़ें बना सकता हूँ, तो इसलिए गाइज मैं इसको बुक सेल्फ पे रहने दे रहा हूँ, ये 9 एमराल्ड में दे रहा है मुझे। तो अब मुझे गाइज सिर्फ इससे एमराल्ड ट्रेड करके बुक सेल्फ लेने, जिससे मैं अपने एन्चेंटिंग जो एन्चेंटिंग टेबल मिली थी मैं उससे भी कम्प्लीट कर पाऊँगा और अपने टूल्स में एन्चेंटमेंट ले पाऊँगा। उससे पहले गाइज मुझे इस प्लेटफॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से सब जगह क्लियर करनी है, तो उसके लिए गाइज मुझे इसको बनाना है। और गाइज मेरे जो प्लेटफॉर्म है वो गाइज थंडर स्टॉर्म के कारण जल गया था उधर का, तो मैंने गाइज इसको अब स्टोन का ही बना रहा हूँ, और इधर भी स्टोन का ही बना रहा हूँ मैं। तो चलिए गाइज, तो मैं अपना बांध बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज मैंने इतना बड़ा कुछ अपना बांध बनाने को सोचा हूँ, और मैंने बहुत सारे कोबल स्टोन को गाइज मैंने उनको क्या बोलते उसको स्मेल्ट कर लिया हूँ, जिससे वो स्टोन बन चुके हैं, और मुझे सिर्फ उनसे स्टोन ब्रिक्स बना के काम में लाना है। तो पहले मैं गाइज इसमें सब जगह इसको दो दो की ओर हाइट कर लेता हूँ, 3 की हाइट करनी है मुझे, तो ये 3 की हाइट हो चुकी है। और गाइज यहाँ से इसकी दूरी है 4, मतलब इसमें 4 ब्लॉक है, और इधर से गाइज 7 ब्लॉक है। ऐसे करके गाइज ये 3 प्लेटफॉर्म बनाया हूँ मैंने, मतलब 3 जगह रहेंगे, और ऐसे करके गाइज मुझे इसको पूरा भरना है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ। तो गाइज फाइनली मैंने इसको पिलर जो इसकी गाइज पूरा बना लिया हूँ, और गाइज मैं इनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गाइज मैं इनको और ऊँचे भी बना सकता हूँ। तो अब मैं गाइज इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो पहले मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता हूँ, मेरे पास कोई और ब्लॉक तो है नहीं, मैं इसका वुड का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मुझे पता रहे कि मुझे कहाँ कहाँ लगाने। तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, पहले गाइज इसके ऊपर चढ़ने से पहले मुझे गाइज यहाँ पे एक लाइन लगानी है इसकी, तो मैं इसको जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ। और गाइज थोड़ा नॉइस हो रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं गाइज, अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो गई है। तो चलिए गाइज मैं इसको जल्दी जल्दी सब पूरा कम्प्लीट करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ बना के। तो हेलो गाइज, अभी मैं यहाँ पे गाइज नाइट हो गई थी तो मैं सोने आया, तो गाइज यहाँ पे 2 सीप स्पॉन हो गई हैं ये ग्रास ब्लॉक के कारण, दो नहीं गाइज 3 सीप स्पॉन हो गई हैं, तो ये अच्छी बात है गाइज मेरे बाद में अगर मैं एनिमल भी रखूँगा तो इजीली रखाएंगे अब। तो मैं इनको एक काम करता हूँ, अपने फार्म के अंदर ले जा लेता हूँ। तो मैं इनको एक कहाँ से ले आ लूँ, मैं इनको यहीं से लेके जाता हूँ अंदर, एक ब्लॉक इधर रख देता हूँ बस मैं। तो हेलो गाइज, फाइनली मैंने दो तरफ से इतना बना दिया हूँ, मुझे गाइज इसके ऊपर अब एक और ऊपर लेयर बनानी है, तो मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ, और गाइज आप देख सकते हैं मैं इसको दिखा देता हूँ।
तो हेलो गाइस, फाइनली गाइस जो है मैंने उसको ऐसा बना लिया हूँ। अब मेरे को गाइस में वॉल उठानी है, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं इसकी जो वॉल उठाऊंगा वो उठाऊंगा जंगल वुड से चारों तरफ से। और इसमें गाइस मुझे पूरे बीम भी देने हैं ब्लॉक के, तो मैं उसको भी दे देता हूँ। और उससे पहले गाइस मेरे को एक लाइब्रेरियन बनाना है। ये गाइस मैं उस लाइब्रेरियन को चेक करता हूँ, अगर वो मुझे देगा क्या बोलते हैं लैंटर्न, क्योंकि लैंटर्न की मुझे गाइस ज़रूरत है अंदर लाइटिंग के लिए, क्योंकि लैंटर्न अच्छी दिखती है टॉर्च के मुकाबले। तो मैं देखता हूँ गाइस ये दे रहा है क्या मुझे। तो गाइस ये दे देगा मुझे, इसको सिर्फ लेवल अप करना है, तो मैं इसको जल्दी से लेवल अप कर लेता हूँ। और इससे कुछ लैंटर्न भी लेके वहाँ पे लगाएं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ अब। और गाइस मैं उसको मैं उसमें भी जल्दी से अंदर का पूरा बना के मिलता हूँ मैं आपसे। तो हेलो गाइस, फाइनली जो है गाइस मैंने अपना जो है बायनोस बना के कंप्लीट कर लिया हूँ अंदर से। तो गाइस मैंने अभी इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया, अंदर से मैं अभी कर लूँगा उसको जल्दी से। तो आप देख सकते हैं गाइस ये पीछे है मेरा बायनोस, मैं आपके इसके अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं इसको कुछ अंदर से ऐसा बनाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं एफपी पे जाता हूँ, पहले गाइस मैं आपको उसको अंदर से भी दिखा देता हूँ अब। तो गाइस मेरा बायन कुछ अंदर से इस प्रकार बना हुआ है। तो गाइस मेरे को अभी यहाँ पे जो है पूरी फेंसिंग की बाउंड्री बनानी है, तो मैं जल्दी जल्दी उसको भी बना लेता हूँ अब। तो हेलो गाइस, फाइनली जो है मैंने गाइस इसके अंदर सब कुछ बना लिया हूँ, पूरी फेंसिंग बना लिया हूँ। और गाइस वहाँ पे एक वेंडिंग ट्रेडर आया, आई थिंक कहाँ गया, नीचे तो नहीं गिर गया कहीं, तो मेरे को लग रहा है गाइस वो गलती से नीचे गिर गया है शायद से। गाइस नीचे गिर गया वो, मैं सोचा था इससे एमरल्ड बोल रहा मैं उससे बोले लूँगा क्या कहते शुगर के नहीं होगी, तो वो शायद नीचे गिर गया। तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, इन सभी एनिमल को अपने अलग अलग फार्म में डाल देता हूँ जल्दी से। तो हेलो गाइस, फाइनली जो है मैंने जो जितने भी एनिमल थे गाइस मेरे पास सबको ले आया हूँ। मेरे पास चार सीप हो गई हैं, मैंने इनको वीट खिला दिया था, तो मैं अभी इनको वीट खिला सकता हूँ। अभी सिर्फ दो ही को खिला सकता हूँ, मेरे पास दो ही वीट है, तीन वीट है वैसे, दो ही को खिला सकता हूँ। और इधर भी गाइस पिग भी बहुत सारे हो गए, इधर हैन एक ही है मेरे पास। तो गाइस मैं अभी जो हैन के अंडे हैं उनको ले लेता हूँ वहाँ से, उनको फोड़ के देखता हूँ गाइस, जिससे अगर बेबी निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। मैं उसको जल्दी से करके देख लेता हूँ। तो हेलो गाइज, मेरे पास जितने भी अंडे थे गाइज मैं उन सबको फोड़ के देख लिया हूँ, उनके अंदर से किसी से बच्चा नहीं निकला, मैं इसको फोड़ के देख लिया एक जो अंडा मिला था। तो गाइज मेरे पास तीन एनिमल हो चुके हैं, अभी काउ बची हुई है, और गाइज यहाँ पे शायद से गोट भी मिलती है इसमें आती है शायद से, तो मैं उनको भी यहाँ रख लूँगा। एक में गोट रख लूँगा, एक में अगर कुछ और एनिमल आया तो उसको भी रख लूँगा। और अगर मुझे इसको बड़ा करने का आगे मन हुआ तो गाइज मैं इसको इधर से और बड़ा भी कर सकता हूँ बाद में। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो किस लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।